वेलकम टू आवर चैनल सुरभि सहेली। तो आज सुरभि सहेली में आपके लिए है उपमा। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली रेसिपी आपको किसकी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। इसमें अब हम सूजी डालेंगे और सूजी को 2 से 3 मिनट तक केवल चला के भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, केवल इसको हल्का सा भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा भून चुका है सूजी। अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन से। अब इसी कढ़ाई में हम रिफाइंड डाल लेंगे 2 चम्मच। अब इसमें हम चने की दाल 1 चम्मच के लगभग, जो हम 10 मिनट फुला दिए थे वो डाल रहे हैं। इसको ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट में ही हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा कलर इसका चेंज होने तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम रहेगा, इसको हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्रंची हो गया है दाल। अब इसमें हम राई डालेंगे, ये मिर्चा डालेंगे, करी लीव्स, ये हरी मिर्च और अदरक है। अदरक हम 1 इंची टुकड़ा बारीक बारीक काट लिए हैं और मिर्ची आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ले लेते हैं। इसमें डाल दिए अदरक और मिर्च। अब इसमें हम प्याज ले लेंगे। 1 कटोरी सूजी लिए हैं हम, उस हिसाब से हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाल रहे हैं, जो कि 5 से 6 लोगों के नाश्ते के लिए पर्याप्त है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। मैंने 1 चम्मच के आसपास नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। 1 कटोरी टमाटर हमने लिया है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारा टमाटर और प्याज तैयार है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी मूंगफली जो भून के रखी हुई थी, और अब इसमें हम डालते हैं सूजी। सूजी डाल के हम इस तरह मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो कि हम खौला के रख चुके हैं, 1/2 लीटर के आसपास पानी इसमें हम खौला के डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही रहेगा। ये हम मिक्स कर रहे हैं इसे। इसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा, सबसे पौष्टिक और टेस्टी नाश्ता। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उपमा तैयार है। अब इसमें हम फ्लेम ऑफ करेंगे और नींबू का रस डालेंगे इसमें, जो कि 1 नींबू का है। आपको आपके नींबू में रस कम निकले तो आप और बढ़ा लीजिए, 1 चम्मच के आसपास है। इसको और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब इसको हम धनिया से डेकोरेट करते हैं और सर्व करते हैं। अभी सर्व के लिए रेडी। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा खाने के लिए तैयार है।